दिस इज सिक्सटी 65 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा है रिगार्डिंग सिक्रीशंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अच्छा जी लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है अब लार्ज इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस जो हैं वो मेनली प्रीडोमिनेंटली म्यूकस सिक्रीशंस ही होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में चूंकि कोई डाइजेशन नहीं हो रही होती है तो लार्ज इंटेस्टाइन में एन्जाइमेटिक सिक्रीशंस नहीं होती <coughs>

वो भी अगर स्टिमुलेट हो तो उसमें भी म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है एंड फाइनली जी पैरासिम्पथैटिक इनर्वेशन जो आ रही है लार्ज गट को वो भी अगर हो ज़्यादा हो जाए तो फिर उसमें भी म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है और ये पैरासिम्पथैटिक इनर्वेशन जो है वो डिस्टल हाफ टू तो टू थर्ड ऑफ लार्ज इंटस्टाइन की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये बेसिकली ये सारे स्टिमुलस हैं जो कि स्टिमुलेट करेंगे म्यूकस प्रोडक्शन इन इंटेस्टाइन अब जी ये एग्जैक्टली exactly होती कहाँ से म्यूकस प्रोडक्शन तो जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लेबरकॉन थे तो इसमें भी क्रिप्स ऑफ लेबरकन है और उनके अंदर म्यूकस सेल्स होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और नॉन म्यूकस सेल होते हैं जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं ठीक है जी म्यूकस सेल्स होते हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और नॉन म्यूकस सिक्रीटिंग एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं अब इसमें यही सेल होते हैं इसमें चूंकि कोई खास डाइजेस्ट डाइजेशन नहीं हो रही होती तो देर आर नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी थोड़ी बहुत वाटर की एबजॉर््पन होनी होती है बाकी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन नहीं होनी होती तो इसमें देर आर नो विलाई रिक्वायर्ड इन इट ठीक है तो ये है जी क्रिप्स ऑफ लेवर अब जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रही है म्यूकस का काम क्या है ये लिखा हो जी म्यूकस का फंक्शन तो म्यूकस का फंक्शन वही है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जी इंटेस्टाइन वॉल की प्रोटेक्शन करना मैटर को आपस में होल्ड करके रखना और जो बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वॉल को उस एसिड से बचाना और फाइनली जो सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है ये उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी काम करता है तो बेसिकली आ जाके काम इसका वही है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन और होल्डिंग फीकल मैटर टुगेदर ठीक है अच्छा अब आगे बढ़ा एक मज़ेदार पॉइंट है पिछले हमने पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि जी आ, जब एनजाइटी इन दाइटी सिंपथैटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होता सिम्पथैटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होता तो आ, ये म्यूकस की प्रोडक्शन सही तरह नहीं होती जब कम म्यूकस की प्रोडक्शन होती थी तो जिस तो अल्सर्स होने का चांस ज़्यादा होता था सिंपथेटिक डिस्चार्ज हुआ एनजाइटी हुई उससे सिम्पथैटिक डिस्चार्ज ज़्यादा हुआ उसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन कम हुई म्यूकस प्रोडक्शन कम हुई तो प्रोटेक्शन कम हो गई और अल्सर हो गया फॉर एग्जाम्पल ड्यूडिनम में अल्सर हो गया अब ये जो केस है ये उससे बिल्कुल उल्टा केस है इसमें यह है कि किस ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंसेज पैरासिपथेटिक सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि ढेर सारी म्यूकस प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है इमोशनल डिस्टर्बेंस में पैरासिपथेटिक सप्लाई कुछ लोगों में इतनी ज्यादा हो जाती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रोड्यूस होती है अब वो जो म्यूकस प्रोड्यूस होती है जब ढेर सारी म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएगी तो सारी बात है उस म्यूकस ने फिर बाहर भी तो निकलना है, तो वो ढेर सारी म्यूकस बाउल मूवमेंट करा देगी एंड द पर्सन हैज टू टू रश द वॉशरूम ठीक है और ये इतनी ज़्यादा बाउल मूवमेंट भीग्रा रहती है और इतनी ज़्यादा म्यूकस भी प्रोड्यूस हो सकती है कि हर थर्टी मिनट्स के बाद देर इज बाउल मूवमेंट ऑफ रोपी म्यूकस ठीक है और जिस बाउल मूवमेंट होती है उसके अंदर देर इज लिटल और नो फीकल मैटर ठीक है तो ये भी एक फ़र्क सा डिफरेंट सा सिनेरियो अच्छा अब अच्छा, चूँकि हम यहाँ पे इसका बाउल मूवमेंट की इंक्रीज फ्रिक्वेंसी डिस्कस कर रहे हैं तो साथ ही हम डायरिया को भी डिस्कस कर लेते हैं अब डायरिया अगर इन्फेक्शन होता है जी तो होगा क्या वो इन्फेक्शन ने अंदर रिटेशन की या इन्फ्लेमेशन कर दी तो उस इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को हम कहते हैं एंटेराइटस आइटस इज इन्फ्लेमेशन ठीक है तो इन्फेक्शन हो गया या इरिटेशन हो गया इन्फ्लेमेशन होगी तो वो बेसिकली क्या करेगा वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स और किसी हद तक म्यूकस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है इन दैट केस जब भी इरिटेशन हो इन्फ्लेमेशन हो इन्फेक्शन हो तो जो गट की वॉल है वो ढेर सारा लाज ढेर सारा वाटर सिक्रेट करेगी इलेक्ट्रोलाइट सिक्रेट करेगी और म्यूकस सिक्रेट करेगी और वो जब सारा गट के अंदर आएगा तो वो ढेर सारा जो वाटर आया है वो जो इरिटेंट है उसको बहा के अपने साथ बॉडी से वॉश आउट करके बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डायरिया देखो हमें कोई इन्फेक्शन हुआ गट में इन्फेक्शन है अब मेरी बॉडी चाहेगी ना कि यार इस इन्फेक्शन को निकाल के मैं बाहर फेंक दूँ अब गट से अगर चीज़ को बाहर निकालना है तो उसका एक एक ही रास्ता है ठीक है <laughs> तो बबल मूवमेंट करा के डायरिया करा के वो उसको बाहर निकाल देते हैं उस इन्फेक्शस एजेंट को जो भी रिडेटिंग एजेंट है उसका तरीका ये होता है कि जब कि ढेर सारी गट सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है ढेर सारा इलेक्ट्रोलाइट्स निकालता है ढेर सारा म्यूकस निकालता है कि ताकि ये म्यूकस और ये इलेक्ट्रोलाइट्स इस ऑर्गेनिज्म को फ्लो में के वॉश आउट कर जाए सो डाइल्यूटिंग फैक्टर्स रैपिड मूवमेंट ऑफ फीस टूवर्ड्स वॉशिंग अवे द हैव एंडेड दिस चैप्टर होपफुली आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा सी नेक्स्ट चैप्टर